तुम लोग तो सर पे चढ़ के नाच रहे हो। अभी के अभी ना घर से बाहर निकलो वरना धक्के मार के निकालेंगे तुम्हें। शांति से बाहर जाओ। बाहर निकलिए अभी के अभी। अरे दामाद जी, हम लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए। हमें तो वो क्या नाम था गुड़िया उनका वो। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। हम इन लोग को समझा ही नहीं पा रहे थे कि हम किसके साथ आए हैं। आइए आप लोग अंदर आइए। नहीं एक डैडी जी, क्या ये क्या क्या हो रहा है? वो कुछ ऐसी बात हो गई है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इस घर में रहना होगा। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये लोग यहां रह नहीं सकते, हमें रहने ही नहीं देंगे। एक सेकंड, हम बताते हैं डैडी भाई साहब। आपके आने के दो मिनट पहले दीपू से हमारी झंझट चल रही थी कि हमने समधन का फोन क्यों उठा लिया। पापा समधन? सॉरी बेटा, मंदाकिनी का। देख रहे हैं सर डैडी भाई साहब, घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर ये दोनों इस घर में रहेंगे तो। पापा मनु ऑलरेडी इतना परेशान है, आप इनको यहाँ। और किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ नहीं बोलिए, अगर किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। किसको क्या कहना है बोलिए। हमें कहना है। डैडी जी, आज तक ना आपकी हर एक बात मानी हमने, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। ये लोग यहां नहीं रहेंगे। हमारी लाइफ है, हमारी प्रॉब्लम है, तो हम संभालेंगे, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा करो, ये रही बंदूक और गोली मार दो। मारो मारो मारो, इन दोनों को गोली मारो। डरिए मत, जो होगा हम संभाल लेंगे, फिक्र मत कीजिए, मारिए गोली। अरे मारिए ना गोली। डैडी जी बात ऐसी है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना ये नहीं होता। आपका तरीका है, आपको ही मुबारक। यार तुम समझ नहीं रहे हो। समझ आप लीजिए। अरे भाई कोई वजह होगी ना जो हम इन दोनों को यहां पर लेकर आए। ये रहेंगे या हम रहेंगे, अब डिसाइड कर लीजिए आप। बेटा इन दोनों का सामान लेकर जाओ, ऊपर वाले कमरे में सेटल कराओ उन्हें। और बेटा तुम जरा हाथ बटाओ। आ जाइए आप हमारे पीछे पीछे। वैसे घर का नक्शा तो तुम्हें पता ही होगा ना, भागी जो थी तुम यहाँ से, मन्नू भैया की पहली पत्नी। चलो चलो चलो, अच्छा अच्छा। हमको नहीं पता है, चलो। पापा आपको देखकर हमें समझ में आ रहा है कुछ तो चल रहा है, बता क्यों नहीं रहे? अब बताइए ना क्या हो रहा है ये सब। अरे भाई अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई वजह होगी ना जो नहीं बता रहे हैं। कोई जबरदस्ती है क्या, सब कुछ जानना है? पूरे शहर भर में बात फैल गई, आग की तरह फैल रही है।
लोग 10-10 बातें कर रहे हैं, संभालना पड़ेगा ना सब कुछ, तो बस संभाल रहे हैं हम अपने तरीके से। एक बात बताओ शिव शंकर बेटा, कब तक हमें इन्हें संभालना होगा? पिताजी हम क्षमा चाहते हैं आपसे, हम आप लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आप हमारे हैं, अपने हैं या हमारा परिवार है, अपना समझकर हम ऐसे बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो कोई वजह होगी ना। अब देखिए ये घर आपका घर, ये तो हमारी बिटिया का ससुराल है। अरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें होनी चाहिए इन दोनों को इस घर में रखने से, लेकिन हम रख रहे हैं तो कोई वजह होगी ना। जरा समझिए समझिए, कुछ दिनों की बात है बस, 15-20 दिन हो जाएगा, हम इनको ले जाएंगे वापस। 15-20 दिन? कुछ कम नहीं हो सकता? ठीक है आप अपनी वजह भी अपने पास रखिए और इन लोगों को यहां रखिए, आपका अपना ही तो घर है, आपको थोड़ी ना मना करेंगे, रखिए इन लोगों को यहां, जब तक रखना रखिए। अरे मन्नू मन, वैसे ये कहानी भी बुरी नहीं है, है ना गुड़िया? देखो कभी अगर हमने फैमिली ड्रामा बनाया तो तुम्हारी मन का मेसर और गार्गी कहानी भी बहुत मस्त रहेगी। नहीं पापा, पापा हर बार इमरजेंसी अंकल आते हैं आपके साथ, आज आप खुद ड्राइव करके आए हैं, कुछ कुछ तो चल रहा है जो आप हमें बता नहीं रहे, प्लीज बताइए ना पापा। पिछली बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, सबको आकर बोल दिया हमारा काम संभाल लो, इस बार वो गलती नहीं करेंगे, जो कुछ है हमारे अंदर रहने दो बस। सुबह सुबह की पहली तस्वीर आपके दामाद जी की, हाय, किसी की नजर ना लगे मन कामेश्वर को, पर हमारी तो लग गई। लीजिए सौगात भेजिए, सुबह सुबह लीजिए, देखिए देखिए देख लो भाई, और मैसेज भी दिया है, सुन लो। सुबह सुबह की पहली तस्वीर आपके दामाद जी की, हाय, किसी की नजर ना लगे मन कामेश्वर को, पर हमारी तो लग। कुछ काम था आपको हमसे? तुम तो हमारे कमरे से चली गई, लेकिन हम
अपने आप में जूझ रहे थे, सोच रहे थे कि जिसे हमारा हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, तुम ऐसे सुबह सुबह हमारे कमरे में क्यों आ गए? हमें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? बस इतनी सी बात, आप तो जानती हैं हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे इस घर में, पर पता नहीं क्यों आपके पापा हमें और हमारी मम्मी को यहाँ ले आए रहने के लिए। तो अब जब आ ही गए हैं और यहाँ रहते हैं तो हमने सोचा अपना कुछ फर्ज निभा लें, सोचा नीचे आ कमरे में थोड़ी साफ सफाई कर दें, आपकी हेल्प हो जाएगी, बस इसीलिए आए थे हम। ओ अच्छा, आओ फिर हमारे साथ आओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्यों, तुम्हें हेल्प करना था ना? एक मिनट, लो, तुम्हें हेल्प करना था ना तो लो, साफ करो, बहुत गंदगी है, प्लीज अच्छे से लगाओ। इसके बाद ना पोछा भी लगवाएंगे तुमसे 3 बार, करो करो। कारपेट पे कौन झाड़ू मारता है, फ्लोर पे मारो, ये नहीं सिखाया था मुंबई में? अच्छे से लगाओ। क्या हुआ, थक गई, पानी लेकर आए? सही सोचा है आपने, हम यहां सफाई करने नहीं आए थे। तो क्यों आई थी तुम यहां? हाँ, बस मन कर गया हमारा। मन कर गया? पता नहीं क्यों, पर हम तो किचन में जा रहे थे पर पैर अपने आप इधर की तरफ मुड़ गए, सोचा एक बार इस कमरे को देख लें। यहाँ यहीं बैठे थे हम जब शादी होकर आए थे इस घर में, फिर हमारी मम्मी का फोन आया, उन्होंने ही हमें याद दिलाया कि हमारा सपना सुपरस्टार बनने का था, किसी की पत्नी बनने का नहीं। फिर हमने ना कुछ सोचा ना समझा, बस उठे और यहाँ आए और यहाँ बैठ के हमने वो चिट्ठी लिखी थी, और यहाँ ये इसी खिड़की से भागे थे हम, कुछ सोचा ना समझा बस भाग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। उस रात यहाँ रुकती तो अब इस कमरे को देखो श्वेता, अच्छे से देखो, सब कुछ बदल चुका है यहाँ, ये कमरा, ये बिस्तर, उस दिन जो बेडशीट लगी थी ना यहाँ पे मनु ने अपने हाथों से जला दी, ये कमरा बदल चुका है, ये बिस्तर बदल चुका है, ये अलमारी देख रही हो, इसके अंदर हमारे कपड़े हैं, और ये इसके अंदर मन्नू के कपड़े, ये जो खिड़की तोड़ के गई थी ना तुम, अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता, समझी, कोई नहीं। श्वेता कुमारी, ये अब हमारा कमरा है, समझी।
अपने हद में रहना, यहाँ कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। एक मिनट, श्वेता कुमारी, एक बात याद रखना, अपने हद में रहना। वैसे डैडी जी, हम क्या सोच रहे थे कि अगर वो लोग खुद ही कबूल कर लें कि उन्होंने पैसे के लिए शादी की थी और वो पैसे लेकर फरार हो गए, तो हम फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ आकर के कबूल कर लें। अरे पर वो कबूल क्यों करेंगे? अबे सच बताओ, तुम वकील हो कि वकील बनने की एक्टिंग कर रहे हो? यही तो हम कह रहे हैं कि वो खुद ये क्यों कबूल करेंगे। शाबाश, 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 यही वो क्यों कबूल करेंगे, ये सवाल है। वो कबूल करेंगे क्योंकि हम एक्टिंग करवाएंगे, यही एक तरीका है उनसे कबूल करवाने का। हम एक्टिंग करवाएंगे, एक्टिंग करवाएंगे। एक्टिंग? डैडी हम आपके प्लान को समझे नहीं। अब देखते जाओ, एक्टिंग की दुकान खोलने वाले हैं। बाकी साहब आप एक काम करो, वो सारी लाइनें जो आपको कानूनन कबूल करवानी है उनसे आप वो सब लाइनें लिखिए, लेकिन वो लाइनें लिखिए फिल्म स्क्रिप्ट की तरह। स्क्रिप्ट? हाँ, फिल्म स्क्रिप्ट की तरह। समझ नहीं आ रहा डैडी, आपका प्लान क्या है? अरे बताते हैं, बताते हैं, देखते जाओ। बाहर बिना शर्ट के खड़े होना जरूरी था? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? पापा की वैन ठीक कर रहे थे, गर्मी लगी, टी शर्ट उतार दी। अच्छा, तो टी शर्ट ही उतार दी। कोई प्रॉब्लम है? अरे हम यहीं तो पैदा हुए, इसी मोहल्ले में, यहीं पले बड़े, सबके सामने, सबने देखा है हमें, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो एक काम करो, नंगे घूमो सबके सामने, क्या फर्क पड़ता है? आइडिया तो काफी अच्छा, अगर आप कहें तो टी शर्ट उतार देते हैं। लगता है आज तुम कुछ मूड में हो। क्या कर सकते, पहली बारिश है ना, तो थोड़ा रोमांटिक हो रहे हैं। कहिए गार्गी जी, एक अजीब सी बात हुई अभी हमारे साथ। देखिए, आपसे मिलकर गए थे यहाँ से, और ऊपर जाते ही हमारे बैग से ये टी शर्ट निकली। ये हम मन कामेश्वर के लिए लाए थे जब शादी होकर आए थे यहाँ पे। सोचा था देंगे, पर मौका ही नहीं लगा। देखिए, ये हम खुद खरीद के लाए थे आपके लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम सोच के आए थे यहाँ एकदम क्लियर माइंड से कि भागेंगे। सोचिए, हमारे भी कुछ सपने थे। गॉड, चिप चिप गर्मी, नॉन फिल्मी पीपल, डर्टी पॉट रोड, एक्सक्यूज मी, यू नो दिस पता, यू नो इंग्लिश,
excuse me. Yes. You know English? I know English. English. अरे भैया सारी अंग्रेजी आज मत बोलो, ये पता पता आए बता दो. There and there. Go. सब आज ही बोल दो. There, go. डैडी आप बात को समझिए, हम एक्टर थोड़ी ना है. हमें पूरा यकीन है कि हम रायता फैला देंगे. अरे डायरेक्टर का तो हम रोल कर लेते, लेकिन क्या करें, हमको वो जानती है भाई. वकील साहब, अरे मान जाओ यार, प्यार से बोल रहे हैं. हाँ पहन लो टोपी, पहन लो. हाँ अच्छे लग रहे हो. हाँ सपनों की बात कर रही हैं आप, सही है, आपको आपके सपने दिखाते हैं हम. रुकिए, क्या कहा आपने अभी? हम सोच समझ के नहीं आए थे भागने के लिए, मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था आपने, है ना? अपने आप हो गया था ना? अगर आपने कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, तो ये क्या अपने आप प्रकट हो गई थी उस दिन इस घर में? हाँ अपने आप आ गई थी इस घर में. सपने पढ़ के सुनाए तुम्हें? तुम्हारे लिखे हुए सपने हमारे पास हैं अभी तक. याद है? हम पढ़ के सुनाते हैं. कमीने कुत्ते लालची भेड़िए, तेरे और तेरे परिवार ने हमें हर तरह से दबाने की कोशिश की. जब से शादी की रस्में शुरू हुई हैं, दहेज पे दहेज मांगे जा रहे हैं. हमने मना किया तो हमें मारा पीटा, हमारी चिट्टियां कलाइयां मरोड़ी और हमें जलाने की धमकी दी. ऐसे दरिंदों के साथ हमें नहीं रहना, हम नहीं रह पाएंगे. हम दरिंदे हैं ना, हमें ढूंढने की कोशिश की तो हम आत्महत्या कर लेंगे. हम जा रहे हैं, तुम भी बाहर में जाओ. सप्रीम श्वेता, आपका सपना, ये तुम्हारी प्लानिंग. हाँ क्या हुआ मन्नू? आज तक ना कभी किसी औरत के साथ हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम एक औरत नहीं हो. औरतें देखी है कभी कैसी होती हैं? कभी देखी है? हम दिखाते हैं. ये हमारी दादी, हमारी छोटी बहन, हमारी भाभी, हमारी कनक दीदी, और ये हमारी पत्नी. इन्हें कहते हैं औरतें. हम ना हजार बार इनके सामने सर झुका के हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, सीखने को मिलता है इनसे हमें. ऐसी होती हैं औरतें. अरे तुम औरत क्या, तुम तो ना इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि तुम ना एक नंबर की लालची, घमंडी, धोखेबाज, लुटेरी दुल्हन हो. हमारी मजबूरी है सिर्फ इसीलिए इस घर में टिकी हुई हो, लेकिन अगर आज के बाद हमारे कमरे में पाँव रखा ना दोबारा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा.
पिंक वाला ये? हाँ ठीक है। सब हो गया? देखो सीन में ना पूरा दर्द निकल कर आना चाहिए। हो गया सर। एकदम अच्छे से शूट करना। श्योर सर। और ध्यान रहे कुछ छूट ना जाए। ठीक है सर। सर 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 वहां कॉस्ट्यूम नहीं मिला सर अभी तक। कॉस्ट्यूम? अरे इन कपड़ों में क्या बुराई है? तो हमारे कपड़े? अरे मैडम बात को समझिए, हम एक रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं, कोई आम पिक्चर विक्चर नहीं बना रहे। अब आप देखिए हम कहाँ शूट कर रहे हैं, असली पुलिस स्टेशन में। समझी? जी सर। वो हमको स्क्रिप्ट भी नहीं मिली सर, डायलॉग क्या बोलेंगे हम? मैडम स्क्रिप्ट डायलॉग क्या होते हैं? हाँ भूल जाइए, सब भूल जाइए, हम आपको समझाते हैं। हमारे साथ अंदर चलिए, आइए। ये है आपकी को एक्टर। हेलो। फोटोग्राफ ले लीजिए, आगे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एकदम रियल दिखें। या सिचुएशन क्या है, आप और आपकी बेटी दोनों चोर हैं। या और आपकी बेटी को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। या लेकिन पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है। काहे नहीं कर रही है? अरे हमारी बेटी को बचा लीजिए, वो बेगुनाह है, उसकी माँ बेगुनाह है। मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं किया। अरे मैडम पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। या देखिए पुलिस को पता है कि आपकी और आपकी बेटी चोर है। या तो पुलिस चाहती है कि आप दोनों सरेंडर कर दें। या और तभी आपका जमीर जाग जाता है। या आप कहती है हाँ मैं सच बोलूंगी। या और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। या आप कहती हैं कि ये प्लान आपकी और आपकी बेटी ने मिलकर बनाया था। हाँ और आपकी बेटी ने शादी की ताकि वो उस फैमिली को उल्लू बनाकर पैसे लूट सके और फिर वो मुंबई भाग जाए। देखिए इसमें आपकी आत्मा जाग गई और आपको किसी बात का डर नहीं रह गया, आप कहीं जेल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? समझी? या समझ गए। वेरी गुड, चलिए टेक लेते हैं। चलिए एवरीबॉडी रेडी। रेडी मैडम? या
साउंड रोलिंग, कैमरा एक्शन। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी बेगुनाह है, हम बेगुनाह हैं और हम कट। क्या हो गया मैडम? सर वो क्या है ना कि हम कैरेक्टर नहीं घुस पा रहे हैं, मतलब 2 मिनट दीजिए हमको, मेथड एक्टिंग करेंगे, पूरा कैरेक्टर ना अपने दिमाग में घुसा लेंगे। जल्दी कीजिए, आपको पता है ना रियल लोकेशन है, सब लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी। अरे मैडम, सच सच 2 मिनट। क्यों कर रही हो ये सब? चाहिए क्या तुम्हें? क्या चाहिए? दिल आ गया तुम पर, प्लीज मन कामेश्वर। ये सब ना नाटक है तुम्हारा, तुम ना ऐसे नहीं मानोगी ना? नहीं मानने वाली ना तुम? इतनी बेइज्जती करने के बाद तो कुत्ता भी इस घर में दोबारा रोटी मांगने नहीं आता। बेशर्म कहीं की, लास्ट टाइम बोल रहे हैं हमसे दूर रहना। हर 3 महीने में पीयूसी करा लिया करो पापा। ठीक है? हाँ बेटा। यार पापा, इस लड़की ने ना हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। उस दिन गोडाउन में जब वो हरकत की ना इसने, हम सक पका से गए थे पापा वहीं पे। और ये मैसेज देखिए, कैसे कैसे मैसेज भी कर रही है। बेटा नंग बड़े परमेश्वर से ऐसा सुनते थे बचपन में, आप किसी नंगे को 10 गाली दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही नंगा पलट के आपको 1 गाली दे दे सबके सामने, आपकी इज्जत वही तार तार हो जाएगी। ये लड़की उनमें से है, इससे बच के रहना पड़ेगा पापा। वो हमने गार्गी से पहली बार झूठ बोला ना, तो वो बात अंदर से काट रही है हमें। ना बेटा, हमारे ख्याल से तुमने ठीक किया। गार्गी को बताते तो क्या बताते इसमें? हम ये नहीं कह रहे कि गार्गी तुम पर शक करेगी, ना। ये बच्ची बाकियों जैसी नहीं है। हाँ परेशान जरूर होगी, सबसे पहले इस बात से परेशान होगी कि डैडी भाई साहब ने ये जी का जंजाल हमारे घर पर क्यों छोड़ दिया है। उस पर से गार्गी को तुम ये बताओगे? ना ना ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है डैडी भाई साहब के मन में क्या चल रहा है। आप फोन करके पूछिए उन्हें। हाँ उन्हीं को फोन करके पूछते हैं। बेबी, इन लोगों ने बंदूक की नोक पे हमको अगवा कर लिया है। वो पिक्चर से कुछ नहीं बना रहे थे, सब बहाना है, यही लोग थे। हमको गोली मार देंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बचा लो। बेबी हेलो। हाँ एड्रेस पता सब भेज रहे हैं तुम्हें, सीधे चली आना, नहीं तो अपनी मम्मी को भूल जाना, मार डालेंगे हम उसे। अरे बंद करो अपना पैं, आती होगी तुम्हारी बेबी। बेटा जिस तरह से भागे जा रही है, हो सकता है इसकी कोई कमजोर कड़ी अपने हाथ लग जाए।
फटाफट स्कूटी निकाल मनु बेटा। चलिए। भैया जल्दी चलाइए थोड़ा। निकाल लीजिए भैया, जल्दी चलाइए। पापा दिख नहीं रही है। अरे बहन जी बाद में चली जाना। पापा चलो चलो। अरे हटा। कहाँ गई वो? उस दिन हम तुम्हारे यहाँ पर चाय नहीं पी सके तो आज तुम चली आई यहाँ पर। चलिए अच्छा है, बताइए क्या लेंगी आप? चाय, ठंडा, शरबत? आप इतनी खातिरदारी कर रहे हैं हमारी, शायद आप भूल गए हैं उस लेटर की 3 कॉपीज के बारे में। एक एक करके गोलियों की तरह निकलेगी और सीधा सीएम, डीएम और पीएम के पास पहुंच जाएगी। ना ना, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, तुम भूल रही हो कि ये जो खेल है ये तुम पहली बार खेल रही हो, लेकिन हम तो रोज खेलते हैं ये सब खेल। पहले हमारी गोटी फंसी थी तुम्हारी तरफ, अब तुम्हारी फंसी है हमारी तरफ। मम्मी जी, तुम्हारी मम्मी जी हमारे कब्जे में, याद है ना? इसलिए जो करना है कर लो। हमें बर्बाद करना चाहती हो, चिट्ठी भेजना चाहती हो सीएम डीएम को, मन कामेश्वर जी को जेल भेजना है भेज दो, कोई बात नहीं। कुछ दिनों की परेशानी जरूर होगी लेकिन हम उन्हें जेल से निकलवा लेंगे, उसकी चिंता मत करो तुम। लेकिन तुम्हारी मम्मी याद रखना, फिर शायद तुम्हें कभी मिल ना पाए। अब ये इतना बड़ा खतरा उठाना चाहती हो, इस नुकसान के लिए तैयार हो तो जो जी में आए करो भाई, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। लाओ भाई आम खाए जाए। ओ बेटे, सीजन का पहला आम जिया जी की तरह से। वैसे एक बात बता रहे हैं, उम्र का तकाजा है दोनों के लिए, अब कंपटीशन मत करना। किस चीज का कंपटीशन दीदी? अरे ये लोग आम खाने का कंपटीशन करते हैं भाई। औरंग गार्गी, आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया। हाँ जी, अजीत बड़ा दिल है हमारा, जितने देते हैं आपको। अच्छा जोक है। वैसे एक बात नोटिस की है आप लोगों ने, आज घर कुछ हल्का हल्का नहीं लग रहा है? वो लड़की और उसकी अम्मा घर के बाहर गए हैं तो आज कुछ ऐसे सुकून जैसा लग रहा है, नहीं? हाँ। वैसे दीदी वो दोनों तो नहीं है लेकिन मन्नू भैया और पापा जी वो भी तो नहीं है ना घर पे? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पापा जी उसकी मम्मी के साथ में डेट पर गए हैं और मन्नू भाई अपनी पहली पत्नी के साथ। रे? क्या बोल रहे हो? दादी मतलब हम बस ये कहना चाह रहे थे कि कहाँ गए दोनों, कहाँ रह गए? We'll be right back.
तुम्हारी मदद ही करने आया हूं। कौन हो तुम? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।